Okay, come this side then. उदयपुर बहुत बहुत ख़ास है, ये दूसरी बार आई हूँ यहाँ पे और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पे हमारा स्टे था. कल रात को हम लोग अराइव हुए एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी हियर बिकॉज आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग एंड वेरी फॉन्ड ऑफ कमिंग टू राजस्थान स्पेशली. तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो फूड है, मुझे बहुत पसंद आता है. एंड प्लस द फैक्ट कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टोर है रॉन्ग का पूरे नॉर्थ इंडिया में इनॉग्रेट करने का मौका मिला, तो वो जो एक्साइटमेंट थी वो भी बहुत ज़्यादा थी. और यहाँ के लोगों से मिलने का जो मज़ा है वो अनमैचेबल है. सो आई वाज रियली रियली एक्साइटेड टू कम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एट दिस स्टोर. वो क्या है ना, इंजीनियरिंग 4 साल की होती है, तो 4 साल में हमारे अलग अलग जो टैलेंट्स होते हैं वो बाहर आते हैं. 4 साल में रियलाइज़ होता है कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. फिर पढ़ाई थोड़ी सी बोरिंग होने लगती है, तो ऐसा लगता है कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए. मैंने पॉलिटेक्निक किया, उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग किया, पर हमेशा मेरा ध्यान पढ़ाई में तो था ही, अच्छे स्कोर्स भी निकाल लेती थी, पर हमेशा ऐसा लगता था कि इसके अलावा भी कुछ है जो मैं कर सकती हूँ और मैंने एक्सप्लोर करनी चाहिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़. और बहुत से लोग जो मेरे आसपास रहते थे हमेशा बोलते थे तुम मिस इंडिया क्यों नहीं करती, तुम ये क्यों नहीं करती, तुम वो क्यों नहीं करती. तो हमेशा ऐसा लगता था कि यू नो नेचर स्पीक्स टू यू, सो हमें सो आई जस्ट गेव इट अ शॉट यू नो. और मुझे हमेशा ऐसे फीलिंग थी कि मैं आई बिलोंग समवेयर एल्स एंड आई वाज राइट, आई एक्चुअली बिलोंग समवेयर एल्स. सो आई एम रियली ग्लैड आई टुक दैट डिसीजन. And at the same time, my dad always said that, you know, you have to finish your engineering. And I promised him that I will. So, which I did. So, I'm very glad that happened. Yes. बिग बॉस का अनुभव जो था बहुत ही उमदा था, बहुत अमेजिंग था, बहुत यूनिक था. ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता सभी को एक्सपीरियंस करने को मिलता है. एक बहुत बड़ा मेंटल चैलेंज था मेरे लिए जो मैंने अपने आप को दिया, और मैं अपनी उम्मीदों पे खरी उतरी. जितना मैंने सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा एक्चुअली मैंने कर लिया उस शो में. 105 दिन लगातार उस घर में रहना, वो दिखने के लिए बहुत बड़ा घर है, फैंसी घर है, पर जो इमोशनल चीज़ों से आप गुजरते हैं, जो जो उतार चढ़ाव उस घर में होते हैं, जैसे जैसे लोग बदलते हैं, जैसे जैसे हालात बदलते हैं, आप कितने टिके रहते हो, व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ स्ट्रॉन्ग डू यू थिंक अबाउट समथिंग, और कितना आप टिके रहते हो, बने रहते हो अपनी सोच पे, वो मैंने उस घर में रियलाइज़ किया कि मैं बहुत हेडस्ट्रॉन्ग हूँ. और बहुत सारी चीज़ों ने मुझे, मैंने अपने आप को सरप्राइज़ किया, जो जो चीज़ें जैसे जैसे डिसीजंस लेने पड़े उस घर में. तो इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग इन शॉर्ट. बहुत मज़ा आया ऐसा कुछ करके, और एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था.